क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गांव का जिला अधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से जाना नदियों का जलस्तर, बाढ़ प्रभावित गांव में राहत सामग्री वितरण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रविवार को निकलने वाले बरावफात जुलूस व भरत मिलाप जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बेनीगंज स्थित ईदगाह पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ की बैठक। कहा, बरावफात का महानगर में निकलेगा 127 जुलूस, दोनों जुलूस के निकलने के समय में किया गया है परिवर्तन, दोनों जुलूस को कराया जाएगा सकुशल संपन्न। कैंपियरगंज के बाढ़ प्रभावित गांव का एजीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा, पिछले दिनों हुई बारिश से नदियों का बढ़ा है जलस्तर, राप्ती और सरयू नदी पहुंची खतरे के निशान पर, जिन गांवों में पहुंचा है बाढ़ का पानी, सभी लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को किया गया है निर्देशित। कोतवाली थाने पर किया गया थाना समाधान दिवस का आयोजन। फरियादियों की सुनी गई फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया उन्हें याद, लिया उनके बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प। वायुसेना दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान माला का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, भारत 75 देशों को अत्याधुनिक रक्षा सामग्री निर्यात कर बना है आत्मनिर्भर, विश्व की शक्तियों में गिना जा रहा है भारत। और राप्ती नदी और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ जाने से नदियों का पानी आ गया है खतरे के निशान के ऊपर, लगातार बढ़ रहा है नदियों का जलस्तर। एडीएम फाइनेंस ने कहा, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र और नदी के किनारे रहने वाले लोग रहें सतर्क।